प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध EFM राजकीय शाकंबर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबर लेक जयपुर, आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने BCom तृतीय वर्ष के अंतर्गत EFM विषय के पेपर व्यावसायिक बजटिंग यानी बिजनेस बजटिंग का अध्ययन आरम्भ किया था। हमने इसमें बजट की परिभाषा क्या है, बजट क्या होता है, बजट का अर्थ, बजट और बजटिंग में अंतर, हमने बजट का वर्गीकरण पढ़ा, हमने फ्लेक्सिबल बजट की दो क्वेश्चंस करके देखे, हमने मास्टर बजट का एक क्वेश्चन करके देखा। आज हम विद्यार्थियों वित्तीय बजट का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि हमने जब क्रियात्मक बजट यानी फंक्शनल बजट का के प्रकार हमने पढ़े थे कि एक तो मास्टर बजट होता है, उसके साथ साथ सहायक बजट यानी क्रियात्मक बजट बनाए जाते हैं, फंक्शनल बजट, तो उनमें एक वित्तीय बजट होता है। तो वित्तीय बजट को हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो विद्यार्थियों, वित्तीय बजट को हम परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं कि वित्तीय बजट एक प्रकार से अनुमानित आय एवं व्यय के आंकड़े होते हैं, जिसके आधार पर संस्था की कार्यशील पूंजी का सही अनुमान लगाया जाता है। यानी वित्तीय बजट एक प्रकार का अनुमानित आय एवं व्यय के आंकड़े हैं, जो जिसके आधार पर हम कार्यशील पूंजी का सही अनुमान लगाते हैं। यानी वित्तीय बजट के अंतर्गत पूर्व अनुमानित स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट एवं लाभ हानि खाते आते हैं, जिसके आधार पर हम ये ज्ञात करते हैं कि एक निश्चित बजट अवधि के अंत में संस्था के पास कितना धन शेष रहेगा, कितना रोकड़ शेष पास कितना रोकड़ धन के रूप में रहेगा, यानी संस्था को कितने धन की आवश्यकता है। यानी एक निश्चित बजट अवधि के अंत में संस्था के पास कितनी रोकड़ नकद के रूप में रहेगी। यानी जो हमारा वित्तीय बजट होता है वो हमें ये बताता है कि एक निश्चित बजट अवधि के बाद निश्चित बजट अवधि में हमें कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी। वित्तीय बजट की परिभाषा अगर हम कहें तो वित्तीय बजट एक प्रकार से अनुमानित आय व व्यय के बारे में हमें बताता है, जिससे हम कार्यशील पूंजी हमें धन की आवश्यकता एक निश्चित बजट अवधि में उसका अनुमान लगा सके। वित्तीय बजट के अंतर्गत तीन प्रकार के बजट आते हैं। पहला वित्तीय व्यय बजट। दूसरा रोकड़ बजट। तीसरा पूंजीगत व्यय बजट, यानी हमारे जो पूंजीगत व्यय है वो कितने रहेंगे। पूंजीगत व्यय बजट। इस प्रकार से हमने देखा कि वित्तीय बजट के अंतर्गत ये तीन प्रकार के बजट आते हैं, वित्तीय व्यय बजट, रोकड़ बजट और पूंजीगत व्यय बजट। तो विद्यार्थियों, वित्तीय व्यय बजट क्या होता है? वित्तीय व्यय बजट के अंतर्गत वे सभी व्यय आते हैं, उन समस्त व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जिनका वस्तु की उत्पादन लागत से कोई संबंध नहीं होता, जिन्हें सीधे ही व्यवसाय के लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है, जो हमारे शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट को प्रभावित करता है, जैसे कि डूबत ऋण, दान, कंपनी कोई दान देती है, कोई चंदा देती है, अभिगोपन कमीशन, अंशों व ऋण पत्रों पर बट्टा, संपत्तियों का अपलेखन, इन सबको वित्तीय व्यय में सम्मिलित किया जाता है। अगला बजट आता है रोकड़ बजट। तो रोकड़ बजट में हम रोकड़ कितना हमें रोकड़ प्राप्त होगा, कितना हमारा व्यय होगा, इसका हम अनुमान लगाते हैं। तीसरा आता है पूंजीगत व्यय बजट। इसमें जो हम पूंजीगत व्यय करते हैं उन सभी का लेखा जोखा होता है, यानी उन सभी का हम अनुमान लगाते हैं कितना पूंजीगत व्यय अगले वर्ष होगा, यानी पूंजीगत व्यय बजट। अब वित्तीय बजट के कार्य,
यहाँ हम आते हैं वित्तीय बजट के कार्य। वित्तीय बजट के कार्य तो वित्तीय बजट के कार्य, पहला कार्य क्या है? कार्यशील पूंजी की विभाजन की योजना बनाना, यानी कार्यशील पूंजी हमारी किस प्रकार काम आएगी। पहला पहला क्या है? कार्यशील पूंजी के विभाजन की योजना बनाना। दूसरा, मास्टर बजट के आधार पर वर्ष की समाप्ति पर स्थिति विवरण, लाभ हानि तथा रोकड़ स्थिति का पूर्वानुमान लगाना, यानी वर्ष की समाप्ति पर मास्टर बजट के आधार पर स्थिति विवरण, लाभ हानि एवं रोकड़ स्थिति का पूर्वानुमान लगाना। तीसरा, पूंजी संरचना यानी जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें यदि कोई परिवर्तन की आवश्यकता है तो उसको बताना, और नकदी के उचित आयोजन में कोषाध्यक्ष को सहयोग करना, किस प्रकार हम नकदी का प्रबंध करें। बजट अवधि में प्राप्य लाभ की सूचना देना, कितना लाभ हमें होगा, तथा व्यवसाय की सफलता के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने में सहयोग देना। पांचवा, व्यवसाय की वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति की सही जानकारी देना, यानी यहाँ पे कार्यशील, पहला तो कार्यशील पूंजी के विभाजन की योजना बनाना, मास्टर बजट के आधार पर वर्ष की समाप्ति पर स्थिति विवरण, लाभ हानि एवं रोकड़ स्थिति का पूर्वानुमान लगाना। तीसरा, पूंजी संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता को बताना। नकदी के उचित आयोजन में कोषाध्यक्ष का सहयोग करना। बजट अवधि में प्राप्य लाभ की सूचना देना, कितना लाभ हमें होगा, तथा व्यवसाय की सफलता के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने में सहयोग देना। पांचवा, व्यवसाय की वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति की सही जानकारी देना। यानी ये पांच वित्तीय बजट के कार्य हो गए। और विद्यार्थियों, अब हम वित्तीय बजट का एक व्यावहारिक प्रश्न, किस प्रकार वित्तीय बजट का प्रश्न हम करेंगे, यदि वित्तीय बजट का प्रश्न आता है तो। वित्तीय बजट हमारा फंक्शनल बजट में एक प्रकार है, फंक्शनल बजट का, और हम वित्तीय बजट का एक प्रश्न करके देखेंगे। तो यहाँ पे विद्यार्थियों, आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं और इस क्वेश्चन को करके हम दिखाएंगे। एक क्वेश्चन ए लिमिटेड का, ए लिमिटेड ने आगामी चार वर्षों में अपने उत्पादों की बिक्री
सेकेंड ईयर में 6000 यूनिट की बिक्री होगी, और इसकी दर क्या होगी, यानी हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, वही ₹10। थर्ड ईयर में विद्यार्थियों थर्ड ईयर में 7500 थर्ड ईयर में, यूनिट्स एट द रेट ऑफ हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो रहेगा यहां पे ₹8 पर यूनिट। चौथे वर्ष में, फोर्थ ईयर में जो हमारी बिक्री होगी वो होगी 10000 यूनिट और हमारी जो दर रहेगी यानी हमारा सेलिंग प्राइस रहेगा वो ₹8। इस प्रकार ये डाटा हमें दे रखा है। याद करिए, पहले वर्ष 5000 इकाई की बिक्री होगी ₹10 के हिसाब से, दूसरे वर्ष 6000 इकाई की बिक्री होगी ₹10 के हिसाब से, तीसरे वर्ष 7500 इकाई की बिक्री होगी ₹8 के हिसाब से, और चतुर्थ वर्ष 10000 इकाई की बिक्री होगी ₹8 के हिसाब से। ये सेलिंग प्राइस हो गए हमारे 10, 10, 8, 8। अब कुछ और जानकारियां भी प्रश्न में दे रखी है। तो यहां पे प्रत्येक वर्ष के अंत में चालू संपत्तियों में इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यानी एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट। यहां पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट, अतिरिक्त विनियोजन, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स, यानी वर्ष के अंत में अतिरिक्त विनियोजन चालू संपत्तियों में ऐसे ऐसे किया जाएगा। पहले वर्ष, तो पहले वर्ष की बात आती है तो फर्स्ट ईयर यहां पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना किया गया, यहां पे निल, यानी जितना हमने कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट पहले साल नहीं किया, एंड सेकेंड ईयर यहां पे हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया 5000। थर्ड ईयर में हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया 8000 रुपए का। प्रश्न में दे रखा कि तीसरे वर्ष के अंत में हमने 8000 रुपए का अतिरिक्त विनियोजन, अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट चालू संपत्तियों यानी करंट असेट्स में किया, और चौथे वर्ष, फोर्थ ईयर यहां पे हमने ₹7000 का अतिरिक्त निवेश किया। इस प्रकार हमें याद कर लेना है, पहले साल तो कुछ नहीं, निल, सेकेंड ईयर में ₹5000 अतिरिक्त निवेश किया, थर्ड ईयर में ₹8000 और फोर्थ ईयर में ₹7000। तो विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त हमें जो अतिरिक्त जानकारियां दी हुई हैं, अतिरिक्त जानकारियों में हमें दे रखा है कि तीसरे और चौथे वर्ष में यानी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर में 7000 की लागत की मशीन खरीदी जाएगी। थर्ड ईयर में 7000 की लागत की मशीन खरीदी जाएगी और फोर्थ ईयर में 13000 की लागत की मशीन खरीदी जाएगी। ये भी कि इन चार वर्षों में हमारी जो परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई वो ₹6 यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी रहेगी,
परिवर्तनशील लागत, प्रति इकाई वो कितनी रहेगी? 6 रुपए प्रति इकाई। और हमारी जो स्थिर लागत है यानी हमारी फिक्स कॉस्ट वो कितनी रहेगी? फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी रहेगी? फिक्स कॉस्ट स्थिर लागत ये हमारी चारों वर्षों में 10,000 रुपए रहेगी प्रत्येक वर्ष। और परिवर्तनशील लागत कितनी रहेगी? 6 रुपए प्रत्येक। और तीसरे और चौथे वर्ष में, तीसरे वर्ष में 7,000 रुपए की मशीन खरीदनी है, चौथे वर्ष में 13,000 की मशीन खरीदनी है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहां फाइनेंशियल बजट ऑफ ए लिमिटेड फॉर 4 years यहां पे पहले पर्टिकुलर्स पहला फर्स्ट ईयर पर्टिकुलर्स यहां पे फर्स्ट ईयर यहां पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर यानी इस प्रकार हमने ये हम कॉलम बना लेंगे। तो पहला रिसीट्स फ्रॉम सेल्स यहां पे पहला पर्टिकुलर्स में क्या आएगा यानी हमें कितनी प्राप्ति विक्रय यानी बिक्री से हुई, रिसीट्स फ्रॉम सेल्स पहले साल कितनी हमें सेल्स हुई, हमें दे रखी थी इकाइयां और हमें सेलिंग प्राइस भी दे रखा था। तो पिछले तो पहले साल हमें कितनी सेल्स हुई इसके लिए हम अपना जो पहला हमें क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन में दे रखा था कि 5,000 इकाई और मूल्य कितना था 10 रुपए तो 50,000। ठीक है, दूसरे साल हमारी कितनी इकाई की बिक्री हुई, दूसरे साल हमारी जो इकाई की बिक्री हुई वो 6,000 यानी 60,000। उसके अगले वर्ष 7,500 की 8 रुपए के हिसाब से यानी 60,000। उसके अगले वर्ष 10,000 8 रुपए के हिसाब से यानी 80,000। इस प्रकार ये चारों बिक्रियां हूं, इन सबका टोटल ए। इसके अलावा अन्य कोई प्राप्ति हमें नहीं हो रही है, टोटल 80,000 ये टोटल ही आ गया। इसके पश्चात अगला पेमेंट्स, तो पेमेंट्स हमारे कितने कितने हैं,
पेमेंट्स में पहली लागत क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी है? 6 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से। जितनी इकाइयां हमने सेल्स करा उससे हम उसको गुणा कर देंगे, यानी 6000 गुणा 5000 तो 30000। पहले 30000। दूसरा 6 गुणा 6000 इकाई 36000। ऐसे ही 6 गुणा 7500 तो 45000। 6 गुणा 10000 तो 60000। ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। फिक्स कॉस्ट कितनी है? प्रश्न दे रखा है। फिक्स कॉस्ट पहले साल 10000, अगले साल भी 10000, उसके अगले साल भी 10000, उसके अगले साल भी 10000। मशीन हमें जो नई खरीदनी है, प्रश्न में दे रखा है मशीन कब कब खरीदनी है हमें? तीसरे और चौथे साल। तो तीसरे और चौथे साल, तीसरे साल कितने मशीन खरीदनी है? 7000। चौथे साल 13000। चौथे साल 13000। इसके अलावा करंट असेट्स, करंट असेट्स कितने, कितना निवेश करेंगे? पहले साल नील, अगले साल 5000, दूसरे साल 5000, उसके अगले साल 8000, उसके अगले साल 7000। इस प्रकार हमने, फिर हम इन सब का टोटल निकाल लेंगे। यहां पे आ गया 40000, ये पेमेंट्स का टोटल आ गया 40000। ये सेकेंड ईयर में पेमेंट्स का टोटल कितना आ गया? 51000। 36 + 10 + 5 51। ऐसे ही थर्ड ईयर में पेमेंट्स का टोटल कितना आ गया? 45 + 10 + 7 + 8 कितने? 70000। 70000। और फोर्थ ईयर में 90000। 60 + 10 + 13 + 7 यानी 90000। इस प्रकार ये हमने बजट बनाया। अब याद करिए, हमारे रिसीट फ्रॉम सेल्स कितने थे? इसको हम थोड़ा सा यहां पे पहले ले लेंगे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर यहां पे टोटल चारों का टोटल। तो हमारी रिसीट्स फ्रॉम सेल्स यानी आइटम ए हमारा कितना था? ए। ये क्या आया था हमें याद होना चाहिए? रिसीट्स फ्रॉम सेल्स, फ्रॉम सेल्स ये कितना आया था? फर्स्ट ईयर का 50000, सेकेंड ईयर का 60000, थर्ड ईयर का 60000, फोर्थ ईयर का 80000, और इन सब का टोटल लगा लेंगे तो 2.5 लाख।
पेमेंट्स टोटल हम पहले निकाल चुके हैं। पेमेंट्स का टोटल कितना है? 40,000, 51,000 सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए 70,000, फोर्थ ईयर के लिए 90,000, यानी टोटल कितना हो गया? 251,000। अब नेट चेंज इन कैश बैलेंस आइटम सी, नेट चेंज इन कैश बैलेंस, ये कितना हो गया? पहले साल प्लस के 10,000, अगले साल प्लस के 9,000, क्योंकि 51,000 का अंतर 9,000, उसके अगले साल प्लस के माइनस के 10,000, उसके अगले साल माइनस के 10,000, चारों सालों का योग करेंगे तो माइनस के 1,000। इस प्रकार हमारा वित्तीय बजट इस प्रकार तैयार। ये हमारा फाइनेंशियल बजट 4 सालों का, और इससे मालूम चलता है कि पहले साल हमें 10,000 का पॉजिटिव प्लस में कैश बैलेंस रहेगा, अगले साल प्लस के 9,000 का कैश बैलेंस रहेगा, माइनस में रहेगा तीसरे साल 10,000, और उसके अगले साल माइनस में 10,000 रहेगा, कुल मिला के माइनस में 1,000 रहेगा। तो विद्यार्थियों, आज हमने वित्तीय बजट का एक व्यवहारिक प्रश्न, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखा, वित्तीय बजट क्या है, वित्तीय बजट के प्रकार क्या हैं, वित्तीय बजट के कार्य क्या हैं, एक व्यवहारिक प्रश्न भी देखा। आज की लेक्चर में विद्यार्थियों हमने वित्तीय बजट का अध्ययन किया, आगे की लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।